नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। गाइस, आज का वीडियो है टाटा सफारी स्टॉर्म में एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन पे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो कार स्टाइलिस्ट की तरफ से ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो रहा है, पूरा प्रोसेस आज मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रांडेड आपको देखने को मिल जाएंगे। एक स्टोर विजिट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो है स्टॉर्म पे, जो टाटा सफारी स्टॉर्म है उसका फ्रेम एक्चुअली नहीं मिलता, तो उसके इंस्टॉलेशन पे पूरा वीडियो है। तो देखिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। सो गाइज, आपके सामने है टाटा की सफारी और इस स्टॉर्म के अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो का इंस्टॉलेशन आई थिंक आपने प्रॉपर तरीके से नहीं देखा होगा। और ये शॉप है कार स्टाइल्स, जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाता हूँ, जिसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सिंगल डिन लगा हुआ था और इसको रिमूव करके यहाँ पे जो प्लग एंड प्ले वायरिंग है उसको अटैच किया जा रहा है, जिससे कि इसमें एक एंड्रॉयड स्टीरियो का सेटअप बिठाया जा सके। काफ़ी टफ होता है एंड्रॉयड स्टीरियो का इंस्टॉलेशन टाटा सफारी स्टॉर्म में। तो अगर आप इस तरीके से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो फिटिंग प्रॉपर हो जाती है। काफ़ी मेहनत पड़ती है टेक्नीशियन पे, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसमें क्या और भी काम होगा वो भी रिव्यू करके दूंगा। बाकी कार स्टाइल्स पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये लोग काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ये लोग, जो कि टाटा सफारी में काम कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गली मैं बोलूँगा, क्योंकि इस गाड़ी का वीडियो मुझे मिला भी नहीं था। सो आज इसका पूरा इंस्टॉलेशन एंड जो और भी वर्क होगा वो भी दिखाएंगे एंड देखेंगे कि क्या कुछ इंस्टॉलेशन के बाद इसमें दिखता है एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप। सो गाइज, आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टॉर्म सफारी के अंदर एक फ्रेम फिट किया जा रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जो कि कार स्टाइल से ही पॉसिबल है। और ये टेक्नीशियन जो हैं वो काफ़ी मेहनत से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फ्रेम अब तक नहीं बना, कोई कंसोल नहीं बना। तो इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी टफ है और इसको अगर हम बात करें तो आई थिंक 2 से 3 घंटे में प्रॉपर इसकी कटिंग करके आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे इसको फिट किया जाता है। और ये जो कंसोल है ये बोलेरो का है, ये इसमें फिट हो जाता है। और प्रॉपर जो वायरिंग होती है वो भी मैं दिखाऊंगा और कैसा लगेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन वो भी आप देखेंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सो कार स्टाइल्स की तरफ से स्टॉर्म के अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो का कंप्लीट जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुका है। जो फ्रेम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे स्टेयरिंग माउंट बटन भी लगाए हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं, क्योंकि इसके प्रॉपर स्टेयरिंग माउंट बटन नहीं आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल जो स्टेयरिंग बटन है वो लगे हुए हैं। और ये देखिए क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा सफारी के अंदर। अब एंड्रॉयड की बात करें तो सर एंड्रॉयड लेके आए थे, तो सर ने सिर्फ फ्रेम और पूरा जो फिटमेंट है वो करवाया है। बाकी अगर आप फिटमेंट की बात करेंगे तो सफारी में इस तरीके से जो प्रॉपर एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें वायरिंग की, तो प्लग एंड प्ले वायरिंग जैसे होती है वो इन्होंने कर दी है। और यहाँ पे फिटिंग की बात करें तो फिटिंग बहुत मायने रखती है सफारी के अंदर। तो ये एक टफ काम था, कॉम्प्लिकेटेड काम था, जो कि कार स्टाइलिस्ट की टीम ने बहुत अच्छे से किया। और स्टूडियो की बात करें तो ये MTK प्रोसेसर में 9216 मुझे लग रहा है, मैं एक बार इसका भी रिव्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कार सेटिंग्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाएगी, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये देखिए 9216BJ करके ये एंड्रॉयड है। सो काफ़ी अच्छा फिटमेंट रहा यहाँ पे नो डाउट। और जो स्टीयरिंग माउंट बटन है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉपर, ये भी मैच कर दिया इन्होंने। सो ये भी काफ़ी अच्छा काम लगा कि प्रॉपर जो स्टीयरिंग माउंट बटन थे वो सफारी के अंदर लग चुके हैं। और ये प्रॉपर फिटमेंट इस तरीके से किया गया है कि इसमें लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको करने में, लेकिन जो टेक्नीशियन जी हमारे साथ हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत के जरिए से, और काफ़ी टेक्निकल काम भी है ये, क्योंकि यहाँ पे जो फिटमेंट है वो थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फ्रेम नहीं आता, अल्टरनेट करके प्रॉपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। पहले इन्होंने ऊपर लगा रखा था, ये देखिए कहीं से इन्होंने लगवाया होगा तो ये प्रॉब्लम कर रहा था, तब इन्होंने सेलेक्ट किया कार स्टाइल्स को और प्रॉपर ये काम करवाया, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ किया गया है। आप देखेंगे आगे यहाँ पे पूरा जो फिटिंग है वो प्रॉपर हो चुका है और नीचे भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फिटमेंट है। बाकी अगर गियर की बात करें तो लोग कहते हैं स्क्रीन से गियर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए गियर काफ़ी गैप रहता है, लाइक आप देखेंगे तो स्क्रीन से टच नहीं होता है, आप इसको पूरा प्रेस करेंगे तब भी ये स्क्रीन से टच नहीं होगा। सो इस तरीके से फिटमेंट हुआ है कंप्लीट टाटा सफारी स्टॉर्म का। फ्रेम लेकर वो फ्रेम में मेरा एंड्रॉयड प्लेयर जो है वो एडजस्टमेंट करके, या माने यहाँ से थोड़ा सा लाइक डिफरेंशिएट या माने काट के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके परफेक्ट स्मूथ फिनिशिंग यहाँ पे दिए थे, ताकि बाय डिफॉल्ट ये प्लेयर इसको फिट हुआ जैसा आ रहा है। वेटिंग फॉर मोर मॉडिफिकेशन फ्रॉम दिस स्टोर। स्टीयरिंग के बटन के लिए आई मीन यहाँ से एंड्रॉयड ऑपरेट करते वक्त टाइम पे
वॉल्यूम कंट्रोल जो भी करने का रहता है ना, वो डायरेक्टली हमें यहाँ से कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे मिल रहा है, वो मैंने यहाँ पे करवा लिया था। लाइक मेरा सिस्टम जो भी है वो पूरे यहाँ से मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जब प्रेस कर रहा हूँ। जेन्युइनली आउट ऑफ 5 आई कैन गिव इट लाइक 4 फॉर श्योर। सो फाइनली गाइज, इस कार के अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल हो चुका है। बहुत टफ होता है, लेकिन कार स्टाइल्स पे जो वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये लोग स्टीरियो इंस्टॉल कर देते हैं। या इवन जो भी कार एक्सेसरीज ये करते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन करते हैं, या मान लीजिए कुछ लोग रिमूव भी करवाते हैं चीज़ें, वो भी बहुत परफेक्टली करते हैं। तो काम का जो रिव्यू है वो तो आपने कस्टमर से देख ही लिया, अब आपको विजिट कब करना है ये भी आप देख लीजिए। कार स्टाइल्स करके गूगल मैप पर सर्च करके आप अपना एक टाइम, एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे कि टाइम का इशू आपके साथ ना हो। बाकी हैदराबाद में ये काफ़ी फेमस शॉप है, और ये जो पूरा मिनिस्टर रोड है, यहाँ पे मुझे कार स्टाइलिस्ट का काम थोड़ा पसंद आया, और वाकई यहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे काम होता रहता है, तो मैं वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ। सो ऑलमोस्ट आपको अकॉर्डिंग टू कार बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। बाकी इनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एक स्टोर विजिट का वीडियो बनाया है, वो अगर आप देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट का रेंज है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक, अब यहाँ मिलेगा सर।